आफ्टर द हाइक ऑफ एयरटेल एंड वी आई एंड जो लग रहा था यार फाइनली वही हुआ, जियो ने भी 1 दिसंबर से अपने प्लान को एक्सीड करने का फैसला ले लिया है। तो भाई जियो ने भी यार अपने प्लान्स में हाइक कर दी है। एयरटेल एंड वी आई ने बताया कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें उन्हें अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए एटलीस्ट 200 रुपीज़ जो है वो पर पर्सन चाहिए, इसलिए उन्होंने 20 से 25% तक का हाइक कर दिया, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और जनरली आमतौर पर मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता है। बट पिछले कुछ समय से रिलायंस जियो के आने के बाद मार्केट में पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री हिला रखा है और सारी चीज़ें एकदम से बवाल हो रही हैं। पहले चीज़ें फ्री दी गई और बाद में धीमे धीमे पैसा लिया जा रहा है यूज़र से और अब वो प्राइस बढ़ता ही जा रहा है धीमे धीमे। तो यहाँ पर प्राइस हाइक हुआ, अब उसके बाद जियो ने भी ये सेम फैसला ले लिया। तो अब इस समय हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हैं तीनों कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुकी हैं, चाहे एयरटेल हो, चाहे वीआई हो, चाहे जियो, बिकॉज प्लान्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है। हालांकि जियो का थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पे है कि हल्का सा प्लान्स में थोड़ा बहुत जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है जियो की। वहीं अगर हम वीआई की बात करें तो वीआई जो है वो हमें अनलिमिटेड सर्विस देती है लाइक 12 बजे से 6 बजे के बीच में, तो ये एक वीआई के एडवांटेज है भाई। जियो का थोड़ा सा चीप प्लान्स पड़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू एयरटेल एंड वीआई। एंड वहीं एयरटेल की बात करें तो एयरटेल सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, तो ये तीनों तीनों के पास वन अन एडवांटेज भी मिल जाता है। अब बात करते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो अगर भाई आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है देन आप जा सकते हो, जो भी प्लान से आप उन्हीं पर जाओगे अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज़ यू कैन गो टू BSNL, दिस इज़ द ओनली लास्ट होप बचा है जिसके प्लान से आर इन कंपैरिजन टू दीज कंपनीज, जो कि थोड़े से चीप हैं, थोड़े से सस्ते हैं, अफोर्डेबल हैं और बाकी ये सारे। और कोई गारंटी नहीं है कि यार BSNL भी अपने प्लान्स इन फ्यूचर नहीं बढ़ाएगा, बट इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यार BSNL इतना ज़्यादा 20 से 25% एक्सीड नहीं करने वाला जितना ये प्राइवेट कंपनीज़ कर रही हैं। और फिलहाल देखते हैं भाई क्या होता है। मोनोपोली तो भाई क्रिएट हो चुका है इन तीनों कंपनीज़ का, ट्राइनोपोली कह सकते हैं यार। बाकी आप बताओ कि आप कौन सा सिम कार्ड यूज़ करते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। पसंद आया तो लाइक मारो और सब्सक्राइब बटन को कुचल डालो।